नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक नए तरीके से सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाने वाले हैं। वीडियो आप हमारे साथ अगर पूरा देखते हैं तो आपको एक बेहतरीन तरीके से सादा ब्लाउज की कटिंग करना आ सकती है। तो चलिए इसकी कटिंग करना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसका मेजरमेंट मैं कटिंग के साथ साथ बताने वाला हूँ, इसलिए एक एक पॉइंट को गौर से नोट करें। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पेपर पे आपको कटिंग करना बताऊंगा। तो आप कपड़ा ले लें, कपड़े के ऊपर कपड़े को इस तरह से आप डबल फोल्ड कर लें। ये मेरे दो पन्ने हैं तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये डबल फोल्ड है, मैं एक पन्ने को साइड में रख देता हूँ, ये मेरा डबल फोल्ड है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैक पार्ट कटिंग करेंगे ताकि हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो टोटल लेंथ हमारे ब्लाउज के हम रखने वाले हैं 13.5 इंच। तो हम यहाँ पर 13 की जगह 14.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम 6 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे, मुड्ढे का निशान यहाँ पर, ठीक है। ये दो निशान हमें ऐसे कैसे आगे की तरफ लगा लेने हैं ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैक पार्ट में भी हमारा एक डबल पल्ला है, डबल ऐसे कैसे हमने फोल्ड कर रखा है ऐसा मान लीजिए, आप डबल कपड़े को ही यूज में लें। ये हमारा शोल्डर होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे। गले में हम यहाँ पर, अगर डीप गला हमारा ज़्यादा है, डीप गले की और नॉर्मली गले की अलग अलग तरीके से कटिंग होती है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा चलता है ब्लाउज वो डीप गले का चलता है, इसलिए मैं डीप गले के अकॉर्डिंग ही आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर गले का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर का निशान हम यहाँ पर 6 इंच पे लगा लेते हैं। शोल्डर दोस्तों हमारा इसका वैसे शोल्डर है इसका 14 इंच, 15 इंच हमारा इसका शोल्डर है, ये देखिए 15 इंच। तो ये 15 इंच और मार्जिन हमारा ये होता है, तो उसमें से हमने इसमें से 2 इंच माइनस कर दिया है। इसमें अगर 2.5 इंच भी माइनस करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। फिलहाल हमने इसमें 2 इंच माइनस किया और 6 इंच ही हमने ये रखा है। 6 इंच हमने ये लिया है तो 6 इंच ही ये हमने ये लिया है। 6 इंच पर हम एक निशान ऐसे कैसे लगा लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ के लिए हमने ये लगाया है। ये हमारा एक छोटा सा खाका तैयार हो गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने बॉडी मेजरमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेटेस्ट डिजाइन क्रिएटर। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको एक बार वो वीडियो ज़रूर से देखना है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि फ्रंट की नाप, बैक की नाप और टोटली नाप कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं बॉडी मेजरमेंट लेने में। तो वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट जो हमारा है वो 36 है। इसका अपर चेस्ट भी 36 है, फुल बस्ट भी हमारा 36 है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो 36 इंच इसका चेस्ट है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे बॉडी में आने के लिए। 36 और 2 हमारा 38 हो जाता है। 38 का हम यहाँ पर लगाएंगे फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट हमारा हो जाता है यहाँ पर 9 इंच। 9 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो चेस्ट, अपर चेस्ट के ऊपर जो हमारी नाप होती है फ्रंट और बैक की, तो फ्रंट वाली नाप हमारी 12 इंच है और बैक की हमारी 13 इंच है। तो हम यहाँ पर ये देखिए 6 का दबाव लेते हुए ये तो हम ले लेते हैं यहाँ पर फ्रंट वाला, बैक 13 है तो हम दबाव सहित ये 14 इंच पे निशान ले लेते हैं। यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे। एक लाइन ड्रॉ तो हमारी ये हो गई और एक लाइन ड्रॉ हमारी ये हो जाती है, ठीक है। यहाँ आप एक कैलकुलेशन सीधा सा, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आती है
ये नाप नहीं हो, तो इस तरह से इसके बीच में एक निशान लगाएं और यहाँ से आपको ये देखिए डेढ़ इंच पर, ये डेढ़ इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस नाप से ये थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर निशान लगा लें, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेंच कर्व आता है, उसकी सहायता से यहाँ आप ये देखें इस तरह से भी आप इसे मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर आपको मिलाना हो तो इस तरह से मिलाएं इसे, ये देखिए, ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको मिलाते हुए दिखा देता हूँ। ये मैंने मिला लिया है और यहाँ से इसे मिला दूँगा, तो ये वो उसी जगह पर आएगा जहाँ पर हमने निशान लगाने की कोशिश की है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आर्मोल आ गया। अब इस आर्मोल का भी एक नाप होता है, मुड्डे का भी एक नाप होता है, इसे हम आर्मोल मुड्डा बोलते हैं, जो पहनते हैं ब्लाउज स्लीव जहाँ अटैच होती है उसका भी एक नाप होता है। तो इसका जो मुड्डे का निशान हमारा 14 इंच है, अलग अलग साइज़ के अनुसार अलग अलग होगा। तो अगर आपका ये निशान लगाने में प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या होगी, तो यहीं पर आपको पता चल जाएगी। तो इसे भी हम नाप लेते हैं, ये देखिए, यहाँ से हम इसे घुमाएंगे और ये हमारा आ गया, ठीक है। ये आधा इंच तो ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये देखिए, इसे घुमाकर देखते हैं, ये 7.5 आ रहा है, यानी 15 इंच आ रहा है हमारा आर्मोल, क्योंकि यहाँ पर फिक्स रहेगा, ऊपर सिलाई में जाएगा तो आधा इंच हमारा फिक्स, आधा इंच हमारा ज़्यादा रहेगा। इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आप थोड़ा सा ये देखिए हल्का सा आप यहाँ से शेप लगा सकते हैं, कई ब्लाउज में यहाँ से भी लगाते हैं, या आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप यहाँ से हल्का सा यहाँ पर निशान लगा लें। ये देखिए, आपके एक्सपीरियंस की बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे गलती हो जाती है मुड्डा लगाने में या प्रॉब्लम आते हैं कहीं पर भी, तो इस तरह से आप लगा लें और इसे मिला दें यहाँ पर। आधा इंच का थोड़ा सा गैप आ रहा हमारा, ये हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है, ठीक है। अभी इसे फिर से नाप लें, क्योंकि हमें फिक्स आर्मोल रखना है। तो ये 7 इंच 7.25 आ गया, तो मामूली सा 100-200 नाप में भी हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा लूज भी चल जाएगा, प्रॉपर फिटिंग का भी नहीं चलता। तो ये हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से आर्मोल का कैलकुलेशन हो गया, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं कमर पे। कमर हमारी इसकी 30 इंच है, तो कमर का चौथा हिस्सा हमारा हो गया 7.5 इंच, 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। बैक में एक टक्स लगाएंगे, उसके लिए हम 1.25 इंच, ये 1.25 इंच का मार्जिन लेने वाले हैं इतना, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। अब 1.5 इंच ये देखिए यहाँ पर, इसमें हम एक टक्स लगाएंगे छोटी सी, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ से, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे ले लेंगे और इस मार्जिन को हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हमारी होगी कटिंग की, और हमारी ये हो जाती है नाप फिटिंग वाली। ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्या करना है, बैक में टैक्स भी लगानी है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसका आधा कर लें इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब बैक की टैक्स ज़्यादातर 4.5 इंच या 5 इंच तक हम लगाते हैं, तो ये देखिए ब्लाउज के लंबाई के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो ये 4.5 इंच पे मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है, तो 1.25 इंच का आधा आपको ये देखिए ऐसे करके ये डार्ट हो जाएगी। अब ब्लाउज इसका बैक डीप हमारा गला है, डीप के अकॉर्डिंग बनाया है, तो 8 इंच हमारा डीप है, ये देखिए 8 इंच है, और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, और
अगर आपको यहाँ से पहनने में थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ से 3 इंच भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है, ठीक है। और इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम गोल गला इसमें कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर 1/2 इंच का एक शेप देंगे, ब्लाउज़ पहनते वक्त थोड़ा नीचे की तरफ लटकता है, वो साइड में लटके नहीं और बिल्कुल सीधा रहे। तो ये हम यहाँ पर इस डार्ट के आगे से इसे मिला देते हैं, कटिंग में से कटिंग कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पर पॉज करके इसे दोबारा देख सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें साथ में, ठीक है। तो ये हमारा एक बैक पार्ट का एक खाका तैयार हो चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ से करेंगे। और ये निशान भी आपको उठा लेने हैं ताकि आपको ध्यान रहे। इसका बैक का गला बाद में कटिंग करेंगे। तो ये हमारा एक बैक पार्ट है जो कटिंग होके रेडी है। अब इसी की सहायता से हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ आपको मैं एक सीधा सीधा कटिंग करना भी बता दूंगा। ये हमने दूसरा डबल कपड़ा, ये डबल है, डबल फोल्ड किया हुआ दूसरा पन्ना ले लिया है एक, ठीक है। अब हमारी कैलकुलेशन की गणित चलती है। टैक्स पॉइंट इसका हमारा 9.5 इंच, ये 9.5 इंच पर हमारा इसका टैक्स पॉइंट आ गया। तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ और उसके लिए ले लेते हैं, 10 इंच पर हमारा लग गया। अब इसका नीचे का जो पार्ट होता है, यहाँ पर ये नीचे की जो डार्ट लगती है वो चेस्ट का 12वां हिस्सा करके लगाते हैं। तो 12वां हिस्सा 36 का लगाते हैं तो हमारा जो 3 इंच आता है, 12 × 36, तो ये नीचे से हम 3 इंच पे ले लेते हैं इसे, ठीक है। 1/2 इंच हमने ले लिया और 1/2 इंच इसमें और ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी चौड़ी की जो नाप होगी 13.5 इंच होगी। तो 13.5 इंच पे एक निशान और लगा लेते हैं और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ठीक है, ये दो निशान हमने लगा लिया। अब हमारा बैक पार्ट लेंगे। अब क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहता है ब्लाउज में तो यहाँ पर हम सिलाई जितनी हम लगाते हैं उतना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है इस तरफ। ये ओपन वाला पार्ट होगा हमारा, ठीक है। ये हमने सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा रख लिया, ये ओपन पार्ट होता है अपना, ठीक है, यहाँ से ओपन रहेगा। ये जो बैक पार्ट लिया है हमने, ये हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये हमने इसी के बराबर एक बार मार्किंग उठा लेते हैं और ताकि हमें ये मार्किंग लगाने में दोबारा से लगाना न पड़े। ये रॉन्ग साइड है। अब इसका फ्रंट का गला हमारा यहाँ से नापेंगे 7 इंच। आप ऐसे नापते हैं तो ऐसे कटिंग करें, ऐसे नापते हैं तो ऐसे निशान लगाएं। तो हमने ऐसे नापा है तो 7 इंच पे ये हमारा यहाँ पर आएगा,
इसमें भी आपको जैसा आपको शेप लगाना है वैसा लगा सकते हैं। ये गले का निशान लग गया, ठीक है। फ्रंट हमारा है ये, यहाँ से 6 इंच था हमारा, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से लेते हुए ये डीप कटिंग करेंगे ये हम। यहाँ फिर ये स्केल ले लीजिए, इसकी सहायता से आप इसे मिलाएं इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से अंदर वाला शेप लगा दें, तो ये भी हमारा एक नाप हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारी डार्ट का निशान लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो साइड से डार्ट लगाते हैं, ये चेस्ट का 10वां हिस्सा लगाते हैं हम, ठीक है। तो 36 का 10वां हिस्सा हमारा ये मार्जिन छोड़ देना है, इसे आगे लगाएंगे तो 3.6 होता है, 3.5 और एक सूत पे, तो हमारा ये यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक निशान हमारा ऐसे कैसे आ जाता है, ये तो हमने जो बैक पार्ट से निशान लगाया वो वाला हो गया। अब इसके निशान लगाते हैं, एक निशान ये भी लगा लेते हैं साथ में, इसे हम थोड़ा सा 1/2 इंच, ये 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, ये देखिए, और एक निशान ऐसे कैसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये टैक्स वाला निशान हम 1/2 इंच थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाते हैं, यहाँ से हमारी ये टक्स पॉइंट लगेगी। अब हमें ये देखिए 1/4 इंच तो हमने बैक पार्ट में छोड़ा था, 1/4 इंच से हमारा फ्रंट में काम चलने वाला नहीं है, तो कम से कम 36 इंच में 2 इंच की डार्ट हमारी कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो 1/4 इंच ये है, और 1/4 इंच में हम 1/4 इंच हम और यहाँ से बढ़ाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन रखेंगे। ये मार्किंग मैंने दिखाए थे आपको ऐसे ही आइडिया के तौर पे, तो हमारा जो निशान है ये वाला आएगा यहाँ पर। पहले वीडियो को आप पूरा देखें, उसके बाद दोबारा से प्रैक्टिस ज़रूर करें इस तरह से। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है, और ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। और यहाँ से 1/4 इंच का हम शेप लगाएंगे, 1 इंच का भी बहुत होता है, 1/4 इंच का भी लगा सकते हैं अगर आपको शेप देना है तो, 1 इंच का लगा लेते हैं चलिए। और इसे हम ये जो हमने 2 इंच का लगाया है, तो 2 इंच का देखिए डार्ट, ये 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच यहाँ से, ये डार्ट हमारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में ये जो शेप लगाते हैं इस तरह से लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये शेप आ जाएगा इस तरह से। अब हमारा जो ये कैलकुलेशन है इन टक्स पॉइंट का, ये 2 इंच 1/2 इंच के आसपास हमारा चलता है, बड़ी साइज में 2 इंच कर सकते हैं, 36 साइज में 1/2 पर आप लगा सकते हैं। तो ये 1/2 हमारा ये हो गया, और 1/2 इंच हमारा ये हो गया, और एक क्रॉस करते हुए ये आर्म होल से हमारा यहाँ से आएगी, तो ये भी हमारा जो इससे करीबन दूरी होगी ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डार्ट ये ऊपर वाले पे हो जाएगी, ये भी ऊपर वाले पे हो जाएगी, 1/2 इंच नीचे हो जाएगी, ऊपर इस पे हो जाएगी, और इस डार्ट को आप दे दीजिए थोड़ा सा शेप साइड में नीचे की तरफ सुंदर लगने के लिए इस तरफ से, और इसको भी आप इस नीचे वाली डार्ट से मिला दीजिए यहाँ पर सुंदर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो
गोलाई बन जाएगी यहाँ पर, ये इस तरह से गोलाई आ जाएगी यहाँ पर, ये एक सर्किल अपने को बनाना है इस तरह से। तो ये डार्ट हम इस तरह से लगाते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये एक निशान तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, एक हमारा हो जाता है ये, एक हमारा हो जाता है ये, और एक हो जाता है ये। निशान लगाना ये ज़रूरी होते हैं, और ऐसे ही हमारे ये निशान भी आप लगा लें ताकि दूसरे कपड़े पे ऐसे कैसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए ये देखिए, और ये देखिए ये थोड़ा सा है, इसे भी हम थोड़ा सा आधा इस तरह से काटते हैं ताकि ये सामने से जब गला बनाए तो उसमें लूज न रहे, और ये इस तरह से हम सेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए ये देखिए यहाँ से हम कटिंग करेंगे, तो इसमें ये देखिए मार्जिन थोड़ा सा हमारा बहुत कम बच रहा है यहाँ पर। इसे घुमाकर मैं इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका जो मार्जिन है बहुत कम बच रहा है, क्योंकि हमने आधा इंच इसमें शेप लगाया था, इसमें कोई शेप नहीं है, सीधा का सीधा रखा है। तो आधा इंच हम इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ शेप लगा लेते हैं ताकि हमारा बेल्ट अच्छे से दिखने वाला बने। ये देखिए इसे इस तरह से घुमा के यहाँ से मैं आधा इंच का इसमें इस तरह से, अगर चोली बड़ी हो जाए या इस तरह का हम शेप उसमें लगा लेते हैं ताकि बेल्ट हमारा अच्छे से दिख सके। अब साइज़ के अकॉर्डिंग ये देखिए एक इंच की ये डार्ट हम लगाने वाले हैं साइड वाली, तो आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से, तो ये हमारी जो डार्ट है ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो वन इंच तो हमारा ये हो गया और एक इंच हमारा ये हो गया, तो वन और वन टू इंच हो गया, आधा इंच इसमें नीचे की तरफ से, तो ढाई इंच का कम से कम, ढाई और आधा इंच इसमें, यानी थ्री इंच का हमें रेडी ब्लाउज चाहिए। तो थ्री इंच का ब्लाउज रेडी करने के लिए ये देखिए हम यहाँ से लेते हैं, तो ये थ्री इंच हमारा बच रहा है, और ये सामने हमने जैसे कि जैसे ये मार्जिन छोड़ा है यहाँ पर, ऐसे कैसे हमने इस पर निशान लगा लेना है। कमर का चौथा हिस्सा हमारा है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है साइड के लिए वो वाला। इन दोनों पे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से क्रॉस में इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट इस पर ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया। अब दोस्तों ये देखिए जैसे हमने उनमें डबल फोल्ड कपड़ा लिया था वैसे ही डबल फोल्ड हमने यहाँ पर ले लिया है। इसमें अगर आप ये देखिए अस्तर वाला बना रहे हैं पट्टी लगा रहे हैं, या सादा बना रहे हैं पट्टी लगा रहे हैं, तो इतना मार्जिन छोड़ दें, सादा बना रहे हैं तो ज़्यादा मार्जिन छोड़ लें मोटाई के हिसाब से। फिलहाल हम पट्टी वाला बनाएंगे तो इतना ही मार्जिन छोड़ने वाले हैं। आस्तीन की लंबाई है इसकी 5 इंच, तो 5.5 इंच पर हम निशान एक लगा लेंगे यहाँ पर, और ये निशान हम 12वां हिस्सा लगाते तो 12×36 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। या एक दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी आप कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये सीधी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये देखिए यहाँ से ये नाप लें,
ये 3.25 इंच आ रहा है तो हम 3.25 इंच ले लेते हैं। अगर परफेक्टली लगाना है तो ये देखिए यहाँ से 3.25 इंच पर हम ये निशान लगा लेते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला होता है, मगर ऐसे भी हम लगा सकते हैं, तो इस तरीके से लगा लेते हैं। आस्तीन मोहरी हमारी है 12 इंच, तो 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मुड्डा हमारा इसका है 14 इंच, तो 7 इंच आता है वैसे तो हमारा यहाँ पर, मगर इसका हम कैलकुलेशन के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से निकालें तो चेस्ट का 1/5 हिस्सा करके लगाते हैं, तो 1/5 हिस्सा हमारा आता है इसका। आप लगाएंगे तो 7 × 5 = 35, 7.2 आता है, तो हम इसे यहाँ पर इतना ही लगाएंगे, 2 सूत और आता है तो ये यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसे हम मिला लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और ऐसे भी आप नाप लें, अगर नापना चाहें तो ये देखिए 7.5 आ गया, 15 इंच जा रहा है, तो आधा इंच ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर उस ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ये लिया है। अगर हम 3 इंच पर लेते तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कम आ जाता, इसलिए आप यहाँ पर 7 इंच पर ही लें, क्योंकि 14 हमारा आर्म होल है इसका, तो 7 इंच पे लें। अगर 13 इंच है तो आप 6.5 पे लें, और 12 इंच है तो आप 6 पे लें, ठीक है। अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1/5 हिस्सा आपको लगाना है यहाँ पर, उसी के ऊपर लाइन को लगाना है। ये दो तरीके होते हैं इसके लगाने के, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से इस लाइन को हम मिला लेते हैं। अब इसका भी 1/2 कर लेते हैं, यहाँ पर 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ, और ये देखिए यहाँ पर 1 इंच थोड़ा सा सीधा चलेंगे और फिर इसमें शेप लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से यूँ। और जितना साइड में हमने मार्जिन छोड़ा था उस ब्लाउज़ के अंदर साइड में मार्जिन, उतना ही हमें यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है, और इसे कटिंग कर देंगे। ये आगे की फोल्डिंग के लिए कटिंग लगा देते हैं, और ये हमारा फिक्स आर्म होल हो गया है। दोस्तों थोड़ा सा मैं फ्रंट में ज़्यादा कपड़ा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक साइड से लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और डीप कटिंग करते हैं इसकी ऐसे, यहाँ से लेते हुए, इससे मिलाते हुए, यहाँ से लेते हुए, इस तरह से। इस तरह से हमें मिला देना है, और यहाँ पर भी आप कुटका लगा दें एक, ताकि ध्यान रहे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से एक हमारे सादा ब्लाउज़ की प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से, एक बुटीक लाइन के जो मास्टर होता है उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको सभी को बेहद पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर से दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, ऐसी और वीडियोस हमारी आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।